एंड हाउ वी कैन गेट दैट डेटा देर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा दो तरीके के डेटा प्रजेंट हैं हमारे पास दो तरीके के डेटा हो सकते हैं दोज आर प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा दो तरीके के डेटा क्या क्या होते हैं प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा प्राइमरी डेटा वो डेटा है जो फर्स्ट टाइम कलेक्टेड है यानी हमसे पहले उस डेटा को किसी और ने कलेक्ट नहीं करा है सबसे पहले हम उसे कलेक्ट कर रहे हैं सो प्राइमरी डेटा आर दोज विच आर कलेक्टेड अ फ्रेश एंड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दिस हैपन्स टू बी ओरिजिनल इन करेक्टर नोन एज द प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा सेकेंडरी डेटा आर दोज विच हैव बिन कलेक्टेड बाई समन एल्स जैसे कि प्राइमरी डेटा को पहली बार हम ही कलेक्ट कर रहे हैं एक रिसर्चर है, जब पहली बार एक डेटा कलेक्ट कर रहा है उससे पहले कोई और किसी ने डेटा कलेक्ट नहीं करा वो प्राइमरी डेटा है और किसी और के द्वारा कलेक्ट किया गया डेटा जो पहले कोई और कलेक्ट कर चुका है उसी को हम अपने रिसर्च में आगे फर्दर यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड द सेकेंड्री डेटा यानी कि सेकेंडरी डेटा आर दो विच हैव बीन कलेक्टेड बाई समवन एल्स एंड विच हैव ऑलरेडी बीन पास्ड थ्रू द स्टैटिस्टिकल प्रोसेस आर नोन एज द जिसको ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स में यूज किया गया है उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा राइट सो कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा देर आर वेरियस मैथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा किस किस तरीके से कर सकते हैं सर्वेस से कर सकते हैं और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम प्राइमरी डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं थ्रू द ऑब्जर्वेशन थ्रू डायरेक्ट कम्युनिकेशन विथ या ऑब्जर्वेशन uh, मतलब उसको देख करके लगातार उस पर नजर रख करके या थ्रू द डायरेक्ट कम्युनिकेशन उससे डायरेक्टली बात करके डायरेक्टली बात कैसे करते हैं थ्रू द पर्सनल इंटरव्यूज़ या क्वेश्चन आयर से सो मैथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा आर कैसे कैसे हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं मैथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा मैथ मैथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा प्राइमरी डेटा को हम कैसे कैसे कलेक्ट करते हैं फर्स्ट मैथड इज़ ऑब्जर्वेशन मैथड ऑब्जर्वेशन मैथड मतलब ऑब्जर्वेशन का ना सीधे से पता चल रहा है ऑब्जर्वेशन मतलब होता है नजर रख करके किसी को लगातार नोटिस कर करके आप अपने क्वेश्चंस को आपके रिसर्च में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप उसको पर नजर रख करके लगातार ऑब्जर्व करके उस इंफॉर्मेशन को निकाल रहे हो इट इज़ अ मैथड अंडर विच डेटा फ्रॉम द फील्ड इज़ कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ऑब्ज़र्वेशन बाय द ऑब्जर्वर और बाई पर्सनली गोइंग टू द फील्ड जैसे कि हमें कोई मार्केट से रिलेटेड डेटा इकट्ठा करना है हमें कोई एयरपोर्ट से रिलेटेड डेटा इकट्ठा करना है या हमें हॉस्पिटल से रिलेटेड डेटा इकट्ठा करना है तो हम क्या करेंगे उस जगह पे जा करके उस जगह को उस चीज़ के लिए जिसके लिए मान लीजिए हम कस्टमर सर्विस को देख रहे हैं या वहाँ पे ये देख रहे हैं कि वहाँ पर हाइजीन सिस्टम कैसा है तो हम क्या करेंगे उस जगह पर रह करके उस चीज़ को कंटिन्यूअसली वहीं पर रह कर ऑब्जर्व करेंगे और राइट और जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए हम उस ऑब्जर्वेशन से फिर ले लेंगे इस मेथड के कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं एडवांटेजेस क्या हैं देखिए सब्जेक्टिव बायस एलिमिनेटेड सब्जेक्टिव बायस एलिमिनेटेड मतलब इसमें पार्शियलिटी होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है ऐसा पार्शियलिटी नहीं हो सकती बिकॉज हमने अपनी आंखों देखी वो चीज़ पता करी है राइट सेकेंड इज रिसर्चर कैट्स इन करेंट इन्फॉर्मेशन रिसर्चर को करेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है यानी रिसर्चर को पता चल जा करेंट uh, की इन्फॉर्मेशन मिल रही है इंडिपेंडेंट टू रिस्पॉन्डेंट्स वेरिएबल इन डिसडवान्टेजेस आर एक्सपेंसिव मेथड है क्योंकि वहाँ पर जाना रुकना परमिशन लेना इट्स टफ टाइम कंज्यूमिंग है पूरा टाइम लग जाएगा लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है क्योंकि हमने किसी से पूछना नहीं है वहाँ पर तो इसलिए इन्फॉर्मेशन क्या रहेगी लिमिटेड रहेगी और कुछ अनप्रडिक्टेड इवेंट्स भी वहाँ पर हो सकते हैं क्योंकि हमारा काम सिर्फ क्या है ऑब्जर्वेशन करना हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और हमें बीच में कोई डिस्टर्ब भी कर सकता है या अनफोर्सिन फैक्टर्स यानी अनप्रडिक्टेबल इवेंट्स भी वहाँ पर आइज़ हो सकते हैं लास्ट इज रिस्पॉन्डेंट्स ओपिनियन कैन नॉट बी रिकॉर्डेड रिस्पॉन्डेंट्स के ओपिनियन को हम क्या कर नहीं कर सकते रिकॉर्ड नहीं कर सकते राइट सो टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन देखिए दो तरीके के ऑब्जर्वेशन होते हैं वन इज स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन सेकेंड इज अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन जब हम ऑब्जर्वेशन कैसे कर रहे हैं रिकॉर्डिंग करैक्टराइजिंग द स्टाइल ऑफ रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्व इनफॉर्मेशन स्टैंडर्डाइज कंडीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन डेफिनेशन ऑफ द यूनिट्स टू बी ऑब्जर्व सिलेक्शन ऑफ पर्टिनेट डेटा ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि हमने पहले से ही प्री सारी चीज़ें क्या कर रखी हैं प्लान कर रखी हैं कि हमें इस टाइम पे ये पर्टिकुलर चीज़ मिल जाएगी ये अगर एक पर्टिकुलर यूनिट को या अगर एक पर्टिकुलर क्लास को लेकर कोई हमें आ, ऑब्ज़र्व uh, करना है तो हमें उस हमने उसके लिए सारी प्लानिंग कर चुके हैं कि हमें किस टाइम पे करना है उसके लिए क्या क्या कंडीशंस uh, अवेलेबल होनी चाहिए वो भी हमने सब सेट कर ली तो दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन यानी कि ऑल द थिंग्स आर प्री डिटरमाइंड पहले से ही हमने सारी चीज़ें क्या करी हैं प्लान करी हुई हैं और राइट सेकेंड इज़ अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन मतलब यू आर यू हैव नॉट प्लान मैनी मोर थिंग्स क्योंकि चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है वेन ऑब्जर्वेशन इज़ डन विदाउट एनी थाट बिफोर ऑब्जर्वेशन आपने क्या करा सोचा नहीं था उस बारे में लेकिन आपने आप किसी पर्टिकुलर प्लेस पे हो आप और आपको वो चीज़ें ऐसी लगें कि जिसको आप ऑब्जर्व करते करते आप अपनी रिसर्च पे अटैच कर लिया आपने ठीक है आप मान लीजिए रेलवे प्लेटफॉर्म पे हैं वहाँ पर से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ आपकी ऐसी थी रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो ऐसी थी जो कि आप अपनी रिसर्च में ऐड कर सकते थे तो आपने उसको अपनी रिसर्च में ऐड कर लिया इवेंचुअली दिस इज़ इवेंचुअली यानी कि आपने आप उस पर्पज़ के लिए नहीं गए थे ऑब्जर्वेशन पर्पज़ के लिए बट दोज थिंग वर बीन ऑब्जर्व विदाउट एनी प्लानिंग राइट नेक्स्ट इज अदर टाइप इज पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन वन द ऑब्जर्वर इज मेंबर ऑफ द ग्रुप विच इज गोइंग टू बी ऑब्जर्विंग ठीक है रिसर्च Research, रिसर्चर क्या रिसर्चर uh, जो होते हैं दे कैन हायर द ऑब्जर्वर जरूरी नहीं है कि वे खुद जाके उस फील्ड पे ऑब्जर्व करें वो क्या करते हैं बेसिकली ऑब्जर्वे ऑब्जर्वर्स को हायर करते हैं लेकिन वैन द ऑब्जर्वर इज नंबर ऑफ द वन द ऑब्जर्वर इज मेंबर ऑफ द ग्रुप विच इज विच ही इज़ ऑब्जर्विंग देन इज इट इज़ द पार्टिसिपेंट और लेकिन जहाँ पर ऑब्जर्वर जो है रिसर्चर जो है अगर वो खुद ऑब्जर्विंग एलिमेंट का पार्ट है जिन लोगों को ऑब्जर्व किया जा रहा है उनका वो अगर पार्ट है तो दैट इज़ कॉल्ड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन यानी कि जो रिसर्चर है या अगर वो ऑब्जर्वर भी है अगर रिसर्चर ही ऑब्जर्वर भी है एंड ही ऑल्सो द पार्ट ऑफ थिंग्स विच आर बींग ऑब्जर्व ठीक है वो ऑब्जर्व होने वाली चीज़ का ही पार्ट ए पार्ट भी है तो उसको बोलते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन रिसर्चर कैन रिकॉर्ड नेचुरल बिहेवियर ऑफ ग्रुप रिसर्चर कैन वेरीफाई द ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट बाई स्टेटमेंट्स बाय गिवन बाय द इन्फॉर्मेंट्स इन दंटेक्स ऑफ क्वेश्चन आई डिफिकल्ट टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन कैन ऑब्टेन थ्रू दिस मैथड बट इन दिस रिसर्चर में लूज ऑब्जेक्टिविटी ऑफ रिसर्च ड्यू टू इमोशनल फीलिंग प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोल इंड ऑब्जर्वेशन इज एंड कंट्रोल नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन वेन ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग पीपल विदाउट गिविंग एनी इन्फॉर्मेशन टू देम दैन इट इज़ नॉट पार्टिसिपेंट नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को जो आपकी ऑब्जर्वेशन में जो लोग आ रहे हैं जिन चीज़ों को आप ऑब्जर्वे ऑब्जर्व कर रहे हो उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है ठीक है उनको कोई नॉलेज नहीं है कि उन उन पर स्टडी हो रही है या

वैन द अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन इज़ वैन द ऑब्जर्वेशन टेक्स प्लेस इन नैचुरल कंडीशन नेचुरल कंडीशन मतलब पहले से ही आपने कोई सेट नहीं क्रिएट किया हुआ है आपके आप नथिंग कैन नथिंग इज़ अंडर योर कंट्रोल जैसे कि एक आ, बायर सेलर के पास आ करके उससे कुछ चीज़ परचेज कर रहा है उससे बारगेन कर रहा है तो दैट इज़ द अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन आप उसमें कुछ नहीं कर सकते ऑल राइट right. आप उसमें कोई भी चीज़ें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकते दी ये कंडीशन आपके कंट्रोल के बाहर हैं ठीक इट इज़ डन और ये क्यों किया जाता है टू गेट स्पॉन्टेनियस पिक्चर बिल्कुल करेंट पिक्चर या स्पॉन्टेनियस ऑन द स्पॉट पिक्चर देने के लिए ऑन द स्पॉट रिजल्ट लेने के लिए ऑन द स्पॉट सीन देखने के लिए कि ये क्या चल रहा है ठीक है जैसे कि अभी कहीं पर रेड हो जाती है ऑल राइट right? ठीक है दैट इज द अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन बट वैन ऑब्जर्वेशन टेक्स प्लेस अंडर अकॉर्डिंग टू डेफिनेट प्री अरेंज प्लान जब लेकिन जब ऑब्ज़रवेशन के लिए सारी चीज़ें सेट होती हैं आपने सब कुछ अरेंज uh, किया हुआ है विद एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर दैन इट इज़ कंट्रोल्ड ऑब्जरवेशन जनरली डन एंड ये कहाँ होता है इट इज़ जनरली डन इन लैबोरेटरी अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन ठीक है आपको पता है इतना चीज़ें इसमें मिक्स करने में ये रिजल्ट आउट होगा या इसको इतना डिग्री हीट करने से ये इसमें से ये बनेगा तो दैट इज़ कॉल्ड द कंट्रोल्ड कंडीशन आप उसको सिर्फ नोटिस कर रहे हो ऑब्जर्व कर रहे हो तो दैट इज द कंट्रोल्ड कंडीशन राइट नेक्स्ट इज इंटरव्यू मैथड नेक्स्ट मैथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा थ्रू प्राइमरी सोर्स इंटरव्यू मैथड इंटरव्यू एज यू ऑल नो इज द मैथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा वे आर प्रेजेंटेशन औरल वर्बल स्टिमुली एंड रिप्लाई इन टर्म्स ऑफ ओरल वर्बल रिस्पॉन्स राइट वे आर डेटा इनवॉल्व प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन के थ्रू हम डेटा ले रहे हैं कैन बी यूज थ्रू पर्सनल इंटरव्यू एंड इफ पॉसिबल थ्रू टेलीफोनिक इंटरव्यू इंटरव्यू हम कैसे कैसे कर सकते हैं पर्सनल इंटरव्यू एंड थ्रू द टेलीफोनिक इंटरव्यू ऑल राइट मतलब सामने फेस टू फेस इंटरव्यू कर सकते हैं या टेलीफोन के थ्रू हम इंटरव्यू कर सकते हैं सो वट आर द पर्सनल इंटरव्यूज पर्सनल इंटरव्यू द इंटरव्यू और टास्क क्वेश्चन जनरली इन अ फेस टू फेस कॉन्टेक्ट यानी कि जब सामने बैठ के दो जने आपस में एक क्वेश्चन कर रहा है दूसरा आंसर कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड द पर्सनल इंटरव्यू सो वट आर द टाइप्स ऑफ पर्सनल इंटरव्यू कई तरीके के पर्सनल इंटरव्यू होते हैं फर्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू स्ट्रक्चर मतलब ऑलरेडी देखिए स्ट्रक्चर मतलब एक ढांचा तैयार करना ऑर्गेनाइज वे में इंटरव्यू करना ठीक है सो so, स्ट्रक्चर में क्या होता है कि क्वेश्चंस पहले से प्रेडिटरमाइंड होते हैं आपने क्वेश्चंस पहले से लिख के रखे हुए हैं कि आपको ये ये क्वेश्चन पूछने हैं स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स ऑफ रिकॉर्डेड रिकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो उस इस इंटरव्यू को क्या कर रहे हो ऑलरेडी रिकॉर्ड भी कर रहे हो कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए थर्ड इंटरव्यू फॉलोज रिजिड प्रोसीजर रिजिड प्रोसीजर मतलब जो एक पहले से सेट प्रोसीजर फ्लेक्सिबल प्रोसीजर नहीं रिजिड प्रोसीजर यानी कि जो क्वेश्चंस उसने लिखे हैं और उसको जिस तरीके के आंसर चाहिए वो उन क्वेश्चंस को बार बार उसी तरीके से पूछता रहेगा जब तक उसको अपना आंसर नहीं मिल जाता ऑल राइट नेक्स्ट इज टाइम रिक्वायर फॉर सच इंटरव्यू ज लेस देन नॉन स्ट्रक्चर्ड मैनर इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में और क्या होता है जो टाइम लगता है वो काफी कम, कम लगता है नॉन स्ट्रक्चर्ड के कंपैरिजन में बिकॉज पहले ही आपने क्वेश्चन सेट करे हुए हैं ना तो टाइम भी कम लगता है और आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप एनी हाउस से बार बार क्वेश्चन करके निकाल ले रहे हो नेक्स्ट इज नॉट नेसेसरी ऑफ स्किल और स्पेसिफिक नॉलेज एनालिसिस ऑफ डेटा बिकम ईजियर और पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू सॉरी स्ट्रक्चर इंटरव्यू के थ्रू क्या होता है एनालिसिस ऑफ डेटा डेटा एनालिसिस ईजी हो जाता है बिकॉज आपने वही क्वेश्चन रखे हैं जिस जैसे कि जिनके आंसर्स आपको चाहिए और डायरेक्टली आपको अगर वो आंसर्स मिल जा रहे हैं इसके थ्रू देन इट इज बिकम ईजियर टू एनालिसिस एनालिज द डेटा और राइट सेकेंड काइंड ऑफ इंटरव्यू मैथड इज अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है पहले से क्वेश्चन कोई भी अनस्ट्रक्चर दिट, मतलब कोई ढांचा आपने तैयार नहीं करा है कोई भी आपने प्लानिंग नहीं करी है पहले से क्वेश्चन कुछ भी आपने सेट नहीं करे हैं नो स्टैंडर्डाइज टेक्निक कोई भी एक स्टैंडर्ड टेक्निक नहीं रखी है ठीक है जैसे इस इंटरव्यू भी कई तरीके के होते हैं स्ट्रेस्ड इंटरव्यू होता है ठीक है केस स्टडी मेथड ऑफ इंटरव्यूइंग होता है तो ये आपने कुछ भी तय नहीं करा है आपकी जैसी मर्जी आ रही है आप वैसे क्वेश्चंस पूछ ले रहे हो इंटरव्यूअर हैज़ फ्रीडम टू आस्क ओमिट एंड एड एनी क्वेश्चन इंटरव्यूअर के पास परमिशन है कि वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कोई भी नया क्वेश्चन ऐड कर सकता है ठीक है वो कहानी बना के भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकता है ठीक है आस्क क्वेश्चन विदाउट फॉलोइंग सिक्वेंस कोई सिक्वेंस उसकी सेट नहीं है डीप नॉलेज एंड स्किल रिक्वायर बट इस तरीके के इंटरव्यू के लिए क्या चाहिए गहरी नॉलेज चाहिए आपको सब्जेक्ट के ऊपर आपको आना चाहिए कि आपको उस पर्सन को कैसे उसकी साइकोलॉजी को कैसे मोल्ड करना है उसकी साइकोलॉजी को कैसे आप के क्वेश्चन तक लेकर आना है राइट एनालिसिस ऑफ डेटा इज डिफ़िकल्ट और इसमें डेटा एनालिसिस भी क्या है डिफ़िकल्ट है सो so, इस तरीके के इंटरव्यूज़ कौन कंडक्ट कराता है बेसिकली कोई एक्सपर्ट कंडक्ट कराता है ओके क्लास थैंक यू नेक्स्ट स्लाइड्स वी विल पोस्ट लेटर नेक्स्ट मेथड्स हम दूसरी क्लास में पढ़ेंगे थैंक यू स्टूडेंट्स